अच्छा, हमने मोबिराइज को डाउनलोड किया, ठीक है, फिर हमने इसको इंस्टॉल भी किया। वन क्लिक पे डाउनलोड है, वन क्लिक पे इंस्टॉलेशन है, इजी प्रोसेस है। इसके बाद हमने इसमें एक वेबसाइट स्टार्ट कर लिया था। अब हम आगे जाके उसको थोड़ा और यही हुई, जब मैंने आज ये खोल ली मैंने मोबिलाइज, तो मेरे सामने डैशबोर्ड पे वही मेरी वेबसाइट ओपन थी। अगर ओपन ना हो या आपने मल्टीपल वेबसाइट बनानी बनाई हो और आपने किसी मखसूस वेबसाइट को दोबारा ओपन करना है जो आपने मोबिलाइज में बनानी है, तो यहाँ पे आके साइट्स पे क्लिक करके यहाँ पे वो मौजूद होगा। जिस तरह का मैंने अभी एक बनाया है तो वो यहाँ पे मौजूद है। आपने मल्टीपल अगर बनाए हो तो यहाँ मौजूद होंगे, उसी पे क्लिक करके आप अपनी वो वेबसाइट खोल सकते हैं, जिस तरह मेरे सामने अभी ये ओपन है। ठीक है, इसमें हमने ये हेडर डाला हुआ था, ये मेन्यू बार डाला हुआ था, ठीक है, ये चीजें हमने इसमें किए थे। स्लाइडर भी डाला था इसमें, आप देख सकते हैं बिल्कुल फंक्शनल है। इसके अलावा ये स्लाइडर वही चीज होता है जिस तरह के अगर तुमने देखा हो ऑनलाइन वेबसाइट, खासकर एजुकेशन की जितनी वेबसाइट होती है उन पे ये चलता रहता है, ठीक है, स्लाइड होता है रहता है ये। अच्छा, इसके बाद हमने न्यूज़ की कैटेगरी डाली हुई थी फीचर्स में, ये यहाँ तक हमने किया था। अभी हमने कुछ और इसके फीचर्स को डिस्कस करना है, जिस तरह के यहाँ पे आके ये देखिए, ये जो मेन्यू बार है ये अब इसका कलर जो है वो वाइट है। अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके सेटिंग पे क्लिक करें, ये चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं लोगों को ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ ये लोगों गायब हो जाएगी। मैं दोबारा एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है, लोगों की हाइट और वेट जो है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऊपर देखिए लोगों को, देखिए वो ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। इसी तरह आप इसको ये देखिए, वेट अभी चेंज हो रही है, ठीक है। ये जो ऊपर हमने नाम लिखा हुआ है ब्रांड नेम COVID-19, वो आप इसी तरह हाइड एंड शो कर सकते हो। मेन्यू को, मेन्यू आइटम को आप जो है गायब कर सकते हो, ठीक है। इस तरह ये होती है, ये अलग से वो पेजेस होती है। अभी हम इस पर भी काम करेंगे। ये जितने भी बटन्स ऊपर होंगे कॉन्टेक्ट अस की जो ये बटन है वो गायब हो जाती है, फिर हम इसे शो कर लेते हैं, ठीक है। इस बटन को मेन्यू बार में हम ऑफ ही रखेंगे। स्टिकीज अभी इसमें हमने नहीं डाले हुए, हम डालेंगे तो पता चलेगा। ये साइड बार भी अभी इसमें है नहीं, ये इसकी कलर हम चेंज कर सकते हैं। ये जो
बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से चेंज हो सकती है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके रख लेता हूँ। तो मेन्यू की जितने भी चेंजेस है वो आप यहाँ पे ये कॉर्नर पे आके सेटिंग वाली निशान पे क्लिक करके सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर इसको हटाना रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं, यहाँ पे और ब्लॉक इसमें ला सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मजीद इसमें ब्लॉक शामिल किए जाए, ठीक है। मैंने इसको सेव कर लिया, यूज़र मेन्यू में ये आ गया है। मतलब नेक्स्ट टाइम जब मोबिराइज मैं ओपन करूँगा तो मुझे ये वाली चीज़ जिस तरह वो लाइब्रेरी में ऑलरेडी यहाँ पे होती है ना, मैं जिसे ओपन करता हूँ यहाँ पे मुख्तलिफ टेम्पलेट्स मुझे मिलते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट टाइम जब मैं मोबिराइज को ओपन करूँगा तो ये वाला मेन्यू बार या उसमें उस यूज़र लाइब्रेरी में ऑलरेडी मौजूद होगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो हमने डिस्कस की थी थोड़ी बहुत, इसमें एडिटिंग कैसे होती है, इस हेडर में वो सब कुछ हमने एडिटिंग की भी थी। ये जो टाइटल है इसको हम कैसे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसकी कलर कैसे चेंज होती है, ये सब प्रॉपर्टीज, अलाइनमेंट कैसी होती है, ये हमने चेंज की हुई डिस्कस हुई की हुई थी। कुछ और सेटिंग देख लेते हैं इसमें। फुल स्क्रीन से ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। शो टाइटल, अगर आपने ये देखे टाइटल मैंने हाइड और शो कर सकता हूँ। यहाँ पे सब टाइटल जो नीचे छोटे छोटे हैं वो भी आप कर सकते हैं हाइड शो। मजीद टेक्स आप इसमें डालना चाहते हैं वो आप शो भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप हाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे हमने ये बटन देख लिया, अगर आप चाहते हो कि ये हाइड हो जाए तो यहाँ पे आके इसको इस तरह कर दे तो वो बटन हाइड हो जाएगी। ये मैंने ऑफ कर ली, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज अगर आप तब्दील करना चाहते हो, जिस तरह की हमने बिल्डिंग एक थी हमने इसमें डाली हुई थी, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी का कोई डाल सकते हो, जो कि हम करेंगे भी क्योंकि ये चीज़ COVID-19 बूट कैंप से रिलेट नहीं कर रही तो हम जाके इंटरनेट से कोई ऐसी बैकग्राउंड डाउनलोड करते हैं जो कि COVID-19 से रिलेटेड हो। मैं इमेज में जाता हूँ। अच्छा, ये चीज़ें अभी ठीक है। मैं इनमें से ये वाला देख लेता हूँ, ये ठीक है, फिट भी ठीक नज़र आ रही है। मैं इसको डाउनलोड करके अच्छा हमने सेटिंग में जाके बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी ये देख रहे फ्री ऑनलाइन लाइब्रेरी भी है इसकी, जहाँ पे आपको बहुत सारी वो बैकग्राउंड मिल सकती है। ये देखिए, ये फ्री आपको अवेलेबल है, अगर आप इनको बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बहुत सारी इसमें वो है, या साइट लाइब्रेरीज पे जाके आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर से एक अपलोड करूँगा जो मैंने अभी डाउनलोड की है, वो मैंने कहाँ पे पिक्चर पे वो क्यों नहीं आई, मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड किया था लेकिन चेक कि वो क्यों नहीं, वो
डाउनलोड नहीं हुई, मैं दोबारा कर देता हूँ। सेव इमेजेस। अच्छा यहाँ पे ये आ गई है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको ओके अभी देख ले, ये चेंज हो गई जो COVID-19 से वो रिलेट भी कर रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें ये नज़र थोड़ा नहीं आ रहा, तो हम इसकी कलर को चेंज करेंगे ताकि ये थोड़ा क्लियर नजर आए इस तरह। ठीक है, आप कर सकते। अच्छा इसके और प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये बैकग्राउंड की कलर भी आप रख सकते हो। ठीक है, जिस तरह आप चाहते हो। अच्छा ये तो हो गया हेडर की चेंजेस। इसमें जो कुछ जो चीज़ें आप कर सकते हो सब आपको नज़र आ रहा है। अभी मैं इस ये वाली जो बैकग्राउंड है यूज़र ब्लॉक में आप इसको सेव कर सकते हो, ताकि आइंदा अगर आप इसको यूज़ करना चाहो तो ये इजीली आपके लिए अवेलेबल हो। ठीक है, इसी तरह स्लाइडर भी इसमें मौजूद है। एक और फीचर है वो हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। अगर आप मैंने इसमें चेंजेस कर लिए अभी, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये दिखाई कैसे देगी जब मैं इसको इंटरनेट पे ऑनलाइन अपना ये वेबसाइट डालूंगा तो ये कैसे दिखाई देगी। तो इसके उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको प्रीव्यू पे क्लिक करके ब्राउजर में ये अब ओपन हो जाएगा कि ये किस तरह दिखाई देगी जब ये हम इंटरनेट पे डालेंगे। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है जो अभी हमने बनाई है, ये आप देख ले, ये इस तरह दिखाई देगी जब ये हम उसको इंटरनेट पे डालेंगे। ठीक है, ये वही स्लाइडर है, देखिए ये पिक्चर्स चेंज होती दिखाई दे रही है। ठीक है, अच्छा ये तो इसकी हमने प्रीव्यू भी देख ली। अभी मुझे वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई जो मैं मुझे चेंज करनी चाहिए, जिस तरह की स्लाइडर इसमें दो है बल्कि तीन है, हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं ताकि स्लाइडर की जो वो स्पेस होती है वो हमेशा एक ही होती है, एक ही स्लाइडर होता है इसमें, तो हमने एक ही स्लाइडर इसमें डालना है। ठीक है, इसे भी हम रिमूव कर देते हैं। अभी ये ठीक हुआ, एक ही स्लाइडर इसमें बाकी रहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ आप इसमें
कुछ और डालना चाहते हो तो यहाँ पे आके इस प्लस वाली साइन पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसमें फीचर्स डाल सकते हो। ठीक है, ये आप इसमें आर्टिकल जो कि वेबसाइट ब्लॉग्स वगैरह होती है आजकल वो डाल सकते हो। तो हम एक एक करके इसको डाल भी देते हैं। हेडर तक मेन्यू भी हमने डाला हुआ है, हेडर भी डाला हुआ है, स्लाइडर भी डाला हुआ है। अच्छा, एक और चीज, वीडियो आप बाज वेबसाइट पे आपने देखी होगी जिसपे वीडियोस भी चलती रहती है। तो हम ऐसा करते हैं, वीडियो सेक्शंस सेक्शन में जाके इसमें कुछ वीडियो डाल लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे दिखाई देती है। चलो ये वाली वीडियो में ड्रैग करके, अच्छा आप स्लाइडर के नीचे डालना चाहते हो, यहाँ पे वो जगह हाईलाइट हो जाती है, आप ऊपर जिधर भी आप चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको ऊपर डाल लिया है। ठीक है, वीडियो को आर्टिकल आप अगर डालना चाहते हो तो आप इसको इसके नीचे डाल सकते हो। इसके बाद इन्फो रिलेटेड टू योर कंपनी वट एवर है वो आप डाल सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम जो नीचे वाला हिस्सा होता है यानी एक एंड में तकरीबन हम इसको डालते हैं। इन्फो कॉन्टेक्ट्स की इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो। ये हम किसी इसके लिए हम एक और वो पेज बनाएंगे, उसमें हम डालेंगे कॉन्टेक्ट, यहाँ पे नहीं डालते, उसमें मैप्स को भी हम वहाँ पे डालेंगे, सोशल ये चीज़ें हम एक और पेज बनाते हैं उसमें डालते हैं। अच्छा, ये फुटर यहाँ पे हम रख सकते हैं। फुटर जो होता है हेडर जिस तरह होता है इसी तरह फुटर, ये हर पेज का जो फाइनल हिस्सा होता है उसको फुटर कहते हैं। आप ये मैं इसको आप एटली जो सबसे लास्ट में हो इसको आप डाल सकते हैं। इसको उठा के वेरी लास्ट में आप पुट करके यहाँ पे इसको डाल सकते हैं। ठीक है, ये चीजें ये जितनी हमने इस पेज में डाल दिए हैं ये आप एडिट कर सकते हैं। ये वीडियो भी हमने इसमें डाल दी है जो कि लेटेस्ट फीचर्स है जो हर वेबसाइट में नहीं होती। अच्छा, इसको आप रिव्यू करके भी देख सकते हैं। अभी प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि जब आप इस वेबसाइट को इंटरनेट पे डालोगे तो ये यूजर्स को किस तरह नजर आएगा। तो ये देखिए, ये वेबसाइट यूजर को इसी तरह नजर आएगा। आप इसमें अपनी वीडियो डाल सकते हैं, कोई अगर आप इसको चलाना चाहे तो इस पे क्लिक करके ये इस तरह आम यूजर भी इसको इसी तरह देखेगा If you इंटरनेट browse पे the web on mobile today, you और expect वो which इसी graphics? तरह इस वीडियो को चला सकता है। ये स्लाइडर है, ये आप इसमें ऐसे पिक्चर्स डाल सकते हैं COVID-19 के। अच्छा, ये हम अपने डाल लेते हैं ताकि हमें क्लियर ज्यादा हो जाए। ठीक है, इसमें मोबाइल बिल्ड इन हमने स्लाइडर डाला हुआ था। आप इसको एडिट कर सक करके COVID-19 के रिलेटेड कोई जो इमेजेस है वो डाल दे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये चीजें आप एडिट कर सकते हैं। ये आर्टिकल वाला पार्ट था, ये आर्टिकल को आप बस चीजें ऐसे ही होती है जो कि वेब, मैं सिर्फ आपको वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ। आप आर्टिकल को गूगल करके देख लीजिएगा कि आर्टिकल होती क्या चीज़ है, तो फिर उसके मुताबिक अपने वेबसाइट से रिलेटेड जो आर्टिकल होते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसको जस्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर ले, तो ये इजी प्रोसेस है। इसका मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि आर्टिकल किस तरह आपने बनानी है, वो आप खुद सीख सकते हो इंटरनेट वगैरह से। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने स्लाइडर में इमेजेस की बात की कि हमने इसको चेंज करना है, तो आपने स्लाइडर की इमेज पे जस्ट क्लिक करनी है और इसको
एडिट कर लेना है। ये एग्जिस्टिंग जो होती है आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। आप एक मखसूस पार्ट इसके, मैं चाहता हूँ कि ये क्रॉप जिस तरह होती है, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे जस्ट ये दिखाई दे, तो आप कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि हम इसको चेंज करें। तो मैं ऑनलाइन किसी इमेज का यूआरएल डाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर सिस्टम से ब्राउज कर सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे किया। मैंने यही एक इमेज डाउनलोड किया हुआ है। आप इसके स्लाइडर में नॉर्मली आप मल्टीपल इमेज डालते हैं, ठीक है। मैंने ये वाला इमेज रख लिया है। आप इसके में और भी डाल सकते हैं। आप इस इमेज को वो टाइटल देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। वॉइस ओके करके इसको सेव कर लिया मैं। अब आप देख ले, वो ये देखिए वो इमेज इसमें आ गई, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की इमेज आप डाल लीजिएगा ये देख। और ये मैंने इसकी क्वालिटी थोड़ी लो है, लेकिन जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा, व्हाट इज मोबराइज लॉरमेप्सम, ये कुछ डिटेल आप इसमें डाल सकते हैं मोबराइज के हवाले से। व्हाट इज मोबराइज, जिस तरह आप इसको कह सकते हैं कि मोबराइज इज अ वेब डेवलप टूल विच हेल्प us to make own website, ठीक है। आप मोबराइज के हवाले से इसमें डाल सकते हैं। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे क्वेश्चन मोबराइज से रिलेटेड ना हो, जिस तरह की ये वेबसाइट जिस बारे में है कि तो मुझे यहाँ पे मेरा इस तरह होना चाहिए, व्हाट इज वायरस या व्हाट इज कोविड-19, क्योंकि हमारा जो ये वेबसाइट है ये कोविड-19 के हवाले से है। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई देना चाहिए कि व्हाट इज कोविड-19, इसका जवाब मुझे चाहिए। यहाँ पे लिख ले आप कि इसका व्हाट इज कोविड-19, आप कहीं से भी इसकी जो आंसर है व्हाट इज कोविड-19 की वो यानी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इज इट गुड फॉर मी, नो नेवर। इन कोविड-19 की बात हो रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या ये मेरे लिए अच्छा है, तो से नो नेवर, ठीक है। इसी तरह आप इसके कमेंट्स, फेसबुक कमेंट के बारे से ये सेक्शन है, वो आप इस पर या से इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी बहुत वो जो है वो डिटेल हम थोड़ा आगे जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन अब अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारा लेट सपोज जो होम पेज है वो डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब जाके हम इसमें और पेजेस डाल सकते हैं जिस तरह की नॉर्मली होती है। ये मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये LMS या यहाँ पे कोई भी हम दिखा देते हैं। लेट सपोज मोबराइज ही की देखें, मोबराइज की वेबसाइट मैं खोल लेता हूँ। ये इसका होम पेज हो गया, ठीक है। इसमें
और पेजेस नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक होम पेज है, ठीक है, जिस तरह के हमने अपने वेबसाइट का एक ही पेज बनाया है ये वाला होम पेज। लेकिन बाज़ वेबसाइट ऐसे होते हैं जिस तरह के ये एलएमएस आप देख रहे, इसमें मल्टीपल होम पेजेस होते हैं। ये हमारा एलएमएस है तो यहाँ पे मैं आपके लिए कोई सा ये बूट कैंप की कंटेंट वाली पेज ओपन कर लेता हूँ। ये तो अच्छा, ये तो डाउनलोड करेगी। सबमिट टुडे रिपोर्ट में मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये देखिए ये इसी तरह एक और पेज ओपन हो जाता है जब आप क्लिक कर लेते हो। इस तरह बहुत से वेबसाइट होते हैं जब इसी तरह आपको नज़र आ रहा होता है, यहाँ पे लिखा होता है अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। लेट सपोज हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस की पेज क्रिएट कर लेते हैं और उसका जो वो है वो भी उसमें डाल देते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस के नाम से यहाँ पे हम अच्छा एक पेज बनाने के लिए आप अच्छा एक पेज बनाने के लिए आपने यहाँ पे आके पेज पे क्लिक करना होता है, ठीक है, और प्ले पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्रिएट न्यू पेज कर लेते हो। तो यहाँ पे आपने इसका नाम पेज वन है, हमने इसको क्या करना है, हमने कौन सा पेज बनाना है, कॉन्टेक्ट आस के नाम से हमने एक पेज बनाना है, ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसमें हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि ये पेज कंपनी को कॉन्टेक्ट करने के हवाले से है, इसी तरह हम इसमें वो डाल सकते हैं। ये पेज यूआरएल पेज वन की बजाय मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्टेक्ट अस के नाम .html। अच्छा इसमें इसको हम एडिट कैसे करेंगे, इसमें आगे वो हम इसको इस वेबसाइट के साथ कैसे लिंक करेंगे, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करके यहाँ से ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगी, एक और पेज ओपन हो जाएगी कॉन्टेक्ट अस के नाम से, जिसमें मुख्तलिफ कंटेंट होंगे कॉन्टेक्ट करने के हवाले से। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम कल करेंगे। जिस तरह मैंने आपको अभी ये दिखाया था ये वाली अपनी वेबसाइट कि ये लेट सपोज ये होम पेज है, तो नेक्स्ट कॉन्टेक्ट अस इसमें नहीं है, लेट सपोज मैं सबमिट रिपोर्ट में मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये एक और पेज ओपन कर देती है। इसी तरह हम कल ये करेंगे कि जब हम इस कॉन्टेक्ट अस की बटन पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन होगा जिसकी कंटेंट इससे मुख्तलिफ होंगी, और इसमें यही डिटेल होंगी कि कॉन्टेक्ट अस की जो डिटेल आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करके उसकी कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, वो चीज़ें हम इसमें डालेंगे। आज के लिए ये जितना हमने किया आप इसको काइंडली रिवाइज करें, क्योंकि अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो इस ये
आपके किसी काम का।